इस ट्यूटोरियल में हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के बात में के बारे में बात करेंगे और पाइथन का एक मॉड्यूल है री मॉड्यूल, उसको उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद रेगुलर एक्सप्रेशंस, की होती क्या हैं, कैसे काम करती हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखता हूं ए और एस, और इसमें आपके पास जो एक ये कैरेक्टर है, दूसरा ये कैरेक्टर है, ये आपके क्या हैं, मेटा कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और बाकी में ये आपका स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कितने बीच में कैरेक्टर्स आ सकते हैं, ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इससे स्टार्ट होगा ऐसे एंड होगा। तो ओवरऑल इसका मतलब ये है कि आपका एनी फाइव लेटर स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स विथ ए एंड एंड्स विथ एस, सही है। तो इसका मतलब ये है, तो कोई भी कैरेक्टर पांच लेटर्स का हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एल आई ए एस, तो ये मैच होगा इस एक्सप्रेशन से, ये मैच होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैटर्न, और पैटर्न अपना क्या है, यही है ए डबल एस वाला, ये आई एम सॉरी बकेट वाला, ये पैटर्न हो गया। और मेरा एक टेस्ट स्ट्रिंग में बनाता हूँ जो मैंने ए एल आई एस बनाया, और टेस्ट स्ट्रिंग में वन लिया जो कि मैंने बनाया है ए कैपिटल एल आई एस, और टेस्ट स्ट्रिंग मैंने टू बनाया है जो कि मैं लिखता हूँ ए एल आई डबल ए एस, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि इफ आपका रीमॉड्यूल डॉट, इसमें मैच का फंक्शन होता है, उसमें आप क्या देते हैं, पहला आपका पैटर्न होता है, दूसरा आपका स्ट्रिंग होता है जो आप टेस्ट करना चाह रहे हैं। हमारा पैटर्न मैंने डिफाइन कर दिया है और हमारा टेस्ट स्ट्रिंग ये, और मैं कहता हूँ इफ ये ट्रू रिटर्न करे, या मतलब ये मैच कर रहा है तो प्रिंट करे के सक्सेसफुल सर्च, अदरवाइज प्रिंट करे के अनसक्सेसफुल सर्च, ठीक हो गया। और ये अभी पहले आई एम सॉरी ये टेस्ट के लिए, ये स्ट्रिंग टेस्ट वन के लिए और ये स्ट्रिंग टेस्ट टू के लिए। तो अगर अब कहाँ पे मिस्टेक है, अच्छा इसको मुझे एज ए स्ट्रिंग देना है, ठीक है, ठीक। तो पहली सक्सेसफुल सर्च है, दूसरी अनसक्सेसफुल, तीसरी अनसक्सेसफुल। अब डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है। पहली टेस्ट स्ट्रिंग वन इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि ये पांच लेटर्स वर्ड्स है और ए से स्टार्ट हो रहा है, एस से एंड हो रहा है, जो कि क्राइटेरिया पैटर्न को मैच कर रहा है। तो पैटर्न मैच हुआ तो उसने कहा कि सक्सेसफुल सर्च। इसमें फाइव लेटर्स हैं, ए से स्टार्ट हो रहा है, एस से एंड हो रहा है, लेकिन एक छोटे ए से नहीं स्टार्ट हो रहा, एक कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा और ये केस सेंसिटिव होता है। और ये वाला पहली बात के कैपिटल है यहाँ पे और मैच नहीं हो रहा, और पांच लेटर से ज्यादा है वो भी एक कंडीशन को वायलेट कर रहा है, तो इसलिए ये मैच नहीं हुआ। और आपके जो ये मेटा कैरेक्टर्स हैं ये बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ, लिस्ट ऑफ मेटा कैरेक्टर्स इक्वल्स, ये है पूरी लिस्ट ऑफ मेटा कैरेक्टर्स, और इनमें से हम सबको डिस्कस करते जाते हैं। तो पहले हमारे हैं स्क्वायर ब्रैकेट, तो पहले हमारे आ गए स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसको मैं मार्कडाउन कर लेता हूँ और अब इसको ज्यादा ऐड करूं ताकि ये ऊपर चला, ठीक हो गया। और इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग हो ना वो मैच हो, फॉर एग्जांपल इसमें कोई भी एक कैरेक्टर मैच हो ना तो ये उसको मतलब ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये एक्चुअली आपका क्या करता है कि स्क्वायर ब्रैकेट से स्पेसिफाइज ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो आप यहाँ पे दे सकते हैं इसके अंदर और व्हिच यू विश टू मैच, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है, अच्छा बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर मुझे रेंज ऑफ करना है, लेट से मुझे ए से ई तक चेक करना है, तो ये आपका इक्वल है, आप ए बी सी डी ई पूरा लिखें, या फिर आपका 1 to 9 आप लिख रहे हैं तो ये एक्चुअली आपका इक्वल है 1 to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसके इक्वल है। या फिर मैं लिखता हूँ कि 1 से लेकर 5 9, ये आपका इक्वल है 1 2 3 4 5 और फिर 9 के, सही है, 1 से 5 तक और फिर 9 एंड में, तो इसके, तो आप मतलब इस ऑपरेटर से रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं कि इन दोनों रेंज के बीच में जो भी आए वो मैच कर दे।
और एक और चीज कि आप किसी चीज को अगर एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं या इन्वर्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि एबीसी और इसके आगे ये करेक्टर लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ऑल अल्फाबेट कैरेक्टर्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट ए बी सी, ए बी और सी के सिवा सारे, सही है। और अगर मैं यहाँ के देता हूँ कि 0 to 5 और इसके आगे मैंने ये दे दिया, इसका मतलब ये है कि ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5, सही। तो इनके सिवा, तो ये है आपका इन्वर्ट करना एक्चुअली, इनके सिवा बाकी सारे आ जाएंगे अगर ये कैरेक्टर इसके आगे दिया तो। एंड और नेक्स्ट कैरेक्टर इज ऑफ पीरियड, सही है। और इसको किस तरह यूज होते हैं, और ये आपका एक्चुअली आप इसमें कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर कोई भी दे सकते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर के सिवा। फॉर एग्जांपल ये आपके कौन से मैच करेगा, अगर आप ए देंगे मैच करेगा, सही है। इसको यस मैच करेगा, लेकिन डबल ए देंगे तो मैच नहीं करेगा, नो, क्योंकि ये एक कैरेक्टर को मैच करेगा, कोई भी एक कैरेक्टर हो सकता है न्यू लाइन कैरेक्टर के सिवा। अच्छा ये आई एम सॉरी, नो नहीं मैच करेगा, लेकिन एक मैच करेगा क्योंकि एक ही कैरेक्टर को ये ले सकता है। हमारा नेक्स्ट है कैरेट मेटा कैरेक्टर, और ये क्या करता है कि मैं ये ज्यादा ऐड कर लूं, ये बताता है कि इसके आगे आप जो भी लगाएंगे ना, तो वो उस स्ट्रिंग से आपका कोई सर्टेन कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपके अगर लेट से एबीसी है तो ये इसके लिए ये ट्रू करेगा, ए से स्टार्ट हो फिर आगे कोई भी हो, सही है। या फिर आकाश का नाम आ गया, सही है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। या फिर मैं अगर ए बी सी ए बी दोनों दे दिए, तो इसमें आप ए बी सी दें तो ए बी से स्टार्ट हो रहा है, यस करेगा। या फिर अभिजीत नाम दिया है तो ए बी से स्टार्ट हो रहा है तो करेगा, सही है। तो स्टार्ट ए बी से हो ना तो उसको मैच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और नेक्स्ट हमारा है डॉलर साइन, और जो के क्या करता है कि आपका सर्टेन कैरेक्टर उससे एंड होता है कि नहीं डॉलर से। फॉर एग्जांपल मैं अगर ए डॉलर साइन दी, इसका मतलब यह है कि मेरे वो कैरेक्टर जो ए से एंड हो रहे हैं, सही है। आप कुछ भी लिखें, आप आगे कुछ भी लिखते हैं, आपका एंड में ए है तो वो मैच करेगा, आगे कितने भी कैरेक्टर्स कुछ भी लिखते हैं, एंड में अगर ए आ रहा है सिंगल ए तो वो मैच करेगा, अदरवाइज मैच नहीं करेगा, सही है। और इसी तरह मैं आई ओ एन और मैंने डॉलर दे दिया, इसका मतलब ये है कि आपके एंड में नोशन आ गया, इंफॉर्मेशन आ गया, लास्ट में अगर आई ओ एन है तो उनको मैच करेगा ये। नेक्स्ट हमारा है स्टार कैरेक्टर, ठीक है। और ये क्या करता है आपका कि स्टार सिंबल मैचेस जीरो और मोर अकरेंसेस ऑफ द पैटर्न लेफ्ट टू इट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम ए स्टार एन, तो इसमें एम एन मैच करेगा, एम ए एन मैच करेगा, एम डबल ए एन मैच करेगा, लेकिन एम ए आई एन मैच नहीं करेगा, सही है। ये आपका मैच नहीं करेगा क्योंकि इसमें ए इज नॉट फॉलोड बाय एन, ये ए एन को फॉलो करना चाहिए, तो ये मैच नहीं करेगा। और लेट से आपका वुमन भी हो सकता है, सही है। और नेक्स्ट हमारा है प्लस का करेक्टर, ठीक है। और ये मोर सिमिलर स्टार की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है कि आपके पास ये जीरो और मोर अकरेंसेस को मैच करेगा और ये वन और मोर अकरेंसेस को मैच करेगा। फॉर एग्जांपल यही सेम आप ले लो, तो इसमें ये वाले सारे मैच करेंगे, लेकिन ये मैच नहीं करेगा क्योंकि इसमें जीरो अकरेंसेस है एक ही, सही है, एक ही जीरो अकरेंसेस है, तो ये मैच नहीं करेगा क्योंकि ये एटलीस्ट वन अकरेंस होनी चाहिए और वन से ज्यादा भी हो सकती है। और नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन मार्क, और ये भी रिलेटेड है प्लस और स्टार से, लेकिन इसमें एक चीज है कि आप जीरो और वन अकरंस होनी चाहिए, वन से ज्यादा नहीं होनी, या तो जीरो अकरंस हो या तो वन हो। तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास एम एन मैच करेगा,
एम ए एन मैच करेगा, लेकिन एम डबल ए एन, या अच्छा एम डबल एन मैच नहीं करेगा इसमें। तो इसमें जीरो अकरंस है, इसमें वन है, इसमें वन है, वन से ज्यादा अकरंस तो भी नहीं करेगा, और या जीरो हो, एक अकरंस हो या एक से ओ या जीरो हो, उसके सिवा और कोई नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा है ये वाली ट्रेसेस, और ये क्या करती है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूँ टेक्स्ट। और ये क्या करती है कि आपका अगर एम और एन आप दे रहे हैं ना किसी कैरेक्टर के आगे, किसी पैटर्न के आगे, उसका मतलब ये कि एट मोस्ट उसकी दो अकरेंसेज हो, एंड एट लीस्ट दो एन अकरेंसेज हो, और एट मोस्ट एम अकरेंसेज हो उसके लेफ्ट में पैटर्न का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ ए और टू या थ्री, ठीक, तो इसमें जो मैच होंगे वो कौन से होंगे, लेट से मैंने लिखा ए बी सी डी डबल ए टी, तो इसमें एक मैच हो रहा है डबल ए टी वाला, ओ डबल ए वाला, सही है, दो मैचेस हैं ए की, सही है। या फिर आप लिख लें डबल ए बी सी एंड डी डबल ए टी, तो इसमें दो मैचेस हो रही हैं, एक यहाँ पे डबल ए की मैच हो गई, एक यहाँ पे डबल ए की मैच हो गई, ठीक हो गया। अगर तीन भी है तो भी सही है, क्योंकि वो एटमोस्ट उसे तीन चाहिए। और नो मैच होगा इसमें वो कौन सा होगा, लेट से ए बी सी है, तो इसमें एक या करना से एक हो रही है, ये मैच नहीं होगा। या फिर डी फोर ए टी आ गया, तो ये मैच नहीं होगा क्योंकि ये तीन से ज्यादा है, ठीक हो गया। और हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट से मैं क्या कहता हूँ कि हमारे पास 0 to 9 का, 0 to 9 मैंने दे दिया है कि न्यूमेरिक, और एटलीस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा 4, सही है। तो इसमें मैच कौन से होंगे, ए बी सी, और मैंने लिख दिया 1 2, सही, तो इसमें ये मैच हो गया क्योंकि इसमें दो मैच, 1 और 2 की दो मैचेस हैं, और मैंने लिख दिया कि 1 2 ये लिख दिया, और फिर मैंने ये लिख दिया। तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास तीन मैचेस, चार मैच, तीन मैचेस नहीं बल्कि एक मैच ये हो गई, और यहाँ पे फोर कैरेक्टर्स, फोर की मैच ये हो गई, दो की मैच ये हो गई, सही है। तो इसमें आपके एक्चुअली तीन मैचेस हुए। और अगर दो मैच को देखें तो आप अगर वैसे ही एक टू दे दें या फोर दे दें तो टू मैचिंग नहीं हुई, क्योंकि ये कह रहा है कि एटलीस्ट दो नंबर्स हो, मैक्सिमम 4 नंबर हो, एटमोस्ट 4 हो, तो इसमें दो नहीं एक एक है, तो ये मैच नहीं हुआ। और नेक्स्ट हमारा है अल्टरनेशन, ठीक है। और ये क्या करता है, और ऑपरेटर है, आपको पता होना चाहिए इसका, आई गेस ये वर्टिकल बार इज यूज्ड फॉर अल्टरनेट बार और ऑपरेटर। तो इसमें अगर आप लिखते हैं कि ए बी, इसका मतलब ये है कि या ए उसमें कॉन्टेंट हो या बी हो, तो मैच हो जाएगा कहीं पे भी। और नेक्स्ट हमारा है ग्रुप का करेक्टर, जो कि ये वाला है ए, और ये क्या करता है आपका कि आपका कोई भी, एक मिनट, हाँ, इज यूज टू ग्रुप सब पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये लिख रहे हैं ए बी सी और उसके बाद एक्स वाई जेड दिया, इसका मतलब ये कि आइदर ए बी या सी हो, करेक्टर कॉन्टेंट करो और फॉलोड बाय एक्स जेड, यहाँ पे मैंने एक्स जेड दिया, तो एक्स बाय ओ एक्स जेड से फॉलोड हो, ए बी सी कोई भी हो, एक्स जेड से फॉलो हो, तो वो मैच कर देगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ मैचिंग लिखता हूँ इसके करेक्टर स्ट्रिंग्स, लेट से मैंने लिख दिया ए बी एक्स जेड, ये मैच हो जाएगा क्योंकि ए और बी है और बी फॉलोड बाय एक्स है, सही है। या फिर मैंने कुछ भी लिखा यहाँ पे और फिर लेट से सी एक्स जेड लिखा, तो भी मैच हो गया क्योंकि सी फॉलोड बाय एक्स जेड है। और दो मैच में अगर लिखूं तो क्या हो जाएंगे, ए बी एक्स जेड, ये मैच नहीं होगा क्योंकि स्पेस इज फॉलोड बाय एक्स जेड है, अगर इनके बीच में स्पेस नहीं होता तो ये मैच हो जाता। बाकी कोई भी ऐसा कैरेक्टर हो, लेट से कोई भी है और उसके बाद एक्स जेड भले हो, लेकिन ये ए बी, इसमें भले ए यहाँ पे पड़ा हो, लेकिन ये कि ए एक्स जेड से फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर इसको मैच नहीं करेगा। और नेक्स्ट हमारा है बैकलैश कैरेक्टर, सही है। और ये क्या करता है कि बेसिकली स्कैप कर देता है आपके कोई ऐसा कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल बैकलैश इज यूज्ड टू स्कैप फिर इस कैरेक्टर इंक्लूडिंग ऑल मेटा कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल हमें कहीं पे डॉलर चेक करना है, डॉलर की साइन, तो हम यहाँ पे ये दे देते हैं ना बैकलैश, तो इसका मतलब ये कि आप डॉलर्स को एज ए स्पेशल रेजिस रेगुलर एक्सप्रेशन का जो एज एज एन एंजन काम करता है, एज एन मेटा करेक्टर काम करता है, उस तरह काम नहीं करेगा ये, इसको वो उस
की फंक्शनैलिटी से एस्केप कर देगा। तो ये मैच होगा इफ ए स्ट्रिंग डॉलर, डॉलर का कोई स्ट्रिंग हो फॉलो बाय ए, तो ए डॉलर का कोई भी चैन हो उसके बाद ए आएगा तो उसको ये मैच कर लेगा। तो आर नोट ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा हो गया, बाकी हमारे पास कुछ ही थोड़ा ही काम है बस, आपके पास कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस होती हैं उसकी बात करते हैं, उसके बाद इस ट्यूटोरियल को एंड करते हैं। स्पेशल सीक्वेंस में क्या होता है कि लेट से आपके पास एक बैकलैश ए वाली सीक्वेंस होती है जो कि क्या करेगी, अगर आपकी कोई भी अकरेंसेस मैच हो रही है इसके बाद इसके आगे कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैंने यह दिया और उसके बाद दे दिया, तो इसमें मैच होगा वो हर चीज जो दे से स्टार्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल द सन ये मैच हो जाएगा, द मून ये मैच हो जाएगा, क्योंकि दे से स्टार्ट हो रही है, सही है, ये मैच हो जाएगा। तो इस पर बैकलैश ए और उसके बाद जो भी आप स्ट्रिंग देंगे ना उससे अगर आपकी एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रही होगी तो फिर वो मैच हो जाएगी। और एक होती है बी वाली और ये मैच करेगी अगर आपका, मैं यहाँ पे बल्कि लिख देता हूँ, ये मैच करेगा अगर आपका कोई भी स्पेसिफाइड कैरेक्टर किसी वर्ड के बिगनिंग में या एंड में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकलैश बी और मैंने फू लिखा, तो इसमें मैच कौन से होंगे आपका, मैं लिखता हूँ अगर जैसे ए फुटबॉल, ठीक है, अच्छा रिमेंबर एक्सप्रेशन के आगे नहीं वर्ड के आगे अगर ये होगा तो, या वर्ड के एंड में होगा तो, ठीक है। और नो मैच में क्या हो जाएगा अगर, अच्छा मैं लिखता हूँ ए फुटबॉल तो ये मैच नहीं होगा क्योंकि ये पूरा वर्ड हो गया और वर्ड के स्टार्ट में ये फूल नहीं है, तो स्टार्ट या एंड में आपका एफ डबल फूल, क्योंकि यहाँ पे फूल का फूल जहाँ पे होगा तो वो मैच हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा है ये बी वाला जो कि बैकलैश बी कैपिटल बी जो कि बिल्कुल अपोजिट है उसके, इस बी के इसमें अगर आपका स्टार्ट और एंड में करेक्टर नहीं होगा तो ही मैच करेगा, अदरवाइज मैच नहीं करेगा। और नेक्स्ट हमारा है डी जो के कोई भी मैच करेगा, कोई डेसिमल डिजिट हुआ ना 0 से 9 तक तो वो मैच करेगा, कोई भी एक हो, एक से ज्यादा हो, कितने भी एक डिजिट होगा तो मैच कर लेगा। और उसके बाद आपका कैपिटल डी से है जो के बिल्कुल इसका अपोजिट है और मैचेस एनी नॉन डेसिमल डिजिट, मतलब और ये इक्विवेलेंट है इसके 0 और 9 और उसका इन्वर्ट आप करते हैं। और नेक्स्ट है एस कैरेक्टर जो के आपका वाइट स्पेस कैरेक्टर कोई होगा ना स्ट्रिंग में तो उसको मैच कर देगा और ये इक्विवेलेंट इसके है, इसमें आपका टैब आ गया, आपका न्यू लाइन स्पेस आ गया और ये बाकी वाले स्पेस के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे मैच कर लेगा। एंड अगेन आपका फिर कैपिटल एस से बिल्कुल अपोजिट इसका, जिसमें आपका नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर कोई भी होगा इसमें आप वाइट स्पेसेस का इन्वर्ट ले लें तो इसके इक्विवेलेंट ये हो जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद आपका ये डब्ल्यू का कैरेक्टर है जो कि आपका क्या करता है कि अल्फा न्यूमेरिक उसमें नंबर और अल्फाबेट्स दोनों भी आएंगे तो वो मैच कर लेगा और ये इक्विवेलेंट है इसके, जिसमें आपने ए से जेड तक कैपिटल ये वो दोनों नंबर्स भी ले लिए हैं, ए से जेड तक छोटे ले लिए, ए से जेड तक कैपिटल ले लिए और जीरो से नाइन तक नंबर्स भी ले लिए, तो इसमें सारे अल्फाबेटिक आ गए। एंड रिमेंबर आपका अंडरस्कोर भी अल्फाबेट न्यूमेरिक कैरेक्टर में ही आता है। एंड अगेन हमारा कैपिटल डब्ल्यू आप लेंगे अगर तो फिर वो इसका बिल्कुल अपोजिट है और इसमें नॉन अल्फा न्यूमेरिक और ये इक्विवेलेंट इसके, आप इस पूरे का इन्वर्ट ले लें, सही है। एंड फाइनली आपका ये बैकलैश जेड वाला जो कि स्पेसिफाई कैरेक्टर्स और एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, कोई भी आपका फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ पाइथन और बैकलैश जेड तो जिस चीज में एट द एंड पाइथन होगा तो वो मैच कर लेगा, ठीक है। तो दैट्स इट ट्यूटोरियल, आई नो बहुत लंबा हो गया है, एट द एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द ट्यूटोरियल मैं आपको एक टूल इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जो कि आप इस वेबसाइट पे जाके regex101.com इस पे ये एक रेगुलर एक्सप्रेशंस का टूल है, इसको आप यूज करके रेगुलर एक्सप्रेशंस अच्छी डेवलप कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं, आपको बनाने में मुश्किल हो रही है तो। एंड नेक्स्ट मॉड्यूल में हम जो री मॉड्यूल है इसका रेगुलर एक्सप्रेशंस का उसके बारे में बात करेंगे। एंड सी यू देयर।